रेसिंग पिजन के भाषा में बोलते हैं, लैंग्वेज में बोलते हैं लुपाई। देखिए सीआरपीसी पूरा इसमें 2021 और पूरा इसका कोड है, रजिस्ट्रेशन कोड मेन है इसका ब्लड लाइन नहीं तो कुछ नहीं आएगा। उड़ाते ही पूरा ट्रैक पकड़ लिया कबूतरों ने, इंस्टेंट की स्पीड देखिए, सिर्फ स्पीड देखिए कबूतरों का। हेलो टू ऑल पिजन लवर्स, मैं पिजन टिप्स की सुभाषिश चैन से, मैं सुभाषिश कोलकाता से। तो आज मैं आया हूँ अपने ही इलाके पे, तो एक होमर कबूतर आपने थंबनेल पे देखा होगा, राजा दा राजा मंडोल, जो हमारे इलाके में मतलब मेरे घर से 10 या 15 मिनट की दूरी पे इनका घर है, लेकिन मैं इनको नहीं जानता था। तो कुछ महीने पहले जब यहाँ पे यस साइक्लोन हुआ नहीं था कोलकाता में, लेकिन उसके वजह से बहुत बारिश हुआ था, तो मेरे घर पे लॉफ्ट पे पूरा पानी ही पानी हो गया था, क्योंकि ड्रेन जाम हो गया था। तो भाई ने कमेंट किया था कि ये कबूतरों का घर है या स्विमिंग पूल है, तो तब उन्होंने कमेंट किया था, तो तब से वो मेरे मतलब चैनल देख रहे, सब्सक्राइबर हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और मैं कह दूं कि इनके पास टॉप से टॉप क्वालिटी का होमर पिजन्स, अरे सर ये मद्रासी नहीं है, होमर पिजन्स ओरिजिनल एकदम इम्पोर्ट लाइन के होमर पिजन्स इनके पास है, जो आज तकरीबन कोलकाता पे लगभग ना के बराबर है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कम लोगों के पास है। और एक कह दूँ कि होमिंग पिजन्स का क्या होता है, इनका लॉन्ग डिस्टेंस का ज़्यादा रहता है, क्योंकि पहले ज़माने पे जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हुआ था, तो उस टाइम पे मैसेंजर का काम किया करता था होमिंग पिजन्स, आप लोग कई सारे लोग जानते होंगे। तो इनका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, 800 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर क्रॉस करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज भाई ने ये सब संभाल के रखे हैं, और ये स्पेशली मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आज इनकी वीडियो बनाने आया हूँ। तो इन्होंने मुझे बुलाया, खुद उन्होंने फ़ोन किया था, मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, फिर पता चला कि राजा मंडोल जी ने मुझे फ़ोन किया। तो पहले यूट्यूब्स बहुत सारे यूट्यूबर आए वीडियो बनाए, लेकिन मैं आज आया हूँ और हिंदी पे इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि सिर्फ कोलकाता या वेस्ट बंगाल नहीं, मैं पूरा नेशनल लेवल पे ये लेके जाना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे कोलकाता में कैसे कैसे लोग हैं और किस तरीके के क्वालिटी के कबूतर लोग पालते हैं। तो मैं आज इनके होमिंग पिजन्स का जो कलेक्शन है दिखाऊंगा, एक वीडियो पे शायद वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं पार्ट में वीडियो बना दूंगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने के लिए, और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, पूरा डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए हमारे राजा मंडोल जी, नमस्कार, और ये बंगाली पे बात करेंगे और मैं हिंदी पे बताऊंगा, ताकि मैं भी हिंदी पे बताऊंगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस बहुत बड़ी बात है, ताकि बाहर के लोग, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट भी करते हैं और कहा भी आप लोगों ने ऐसे कि आप हिंदी में बनाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें कोलकाता के बारे में जानना है कि यहाँ का कबूतरबाजी किस तरीके का होता है। और इनका भी चैनल अच्छी ना, तो चैनल है आपका, है मेरा वो चैनल का नाम है राजा मंडोल कैलकाटा रेसिंग पिजन्स। हाँ, राजा मंडोल कैलकाटा रेसिंग पिजन्स, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप चाहे भाई का भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो उड़ान वाले कबूतरों का लॉफ्ट है एक बार देख लीजिए, ये फीमेल का सेक्शन है और ये मेल का सेक्शन है। अच्छा, ये कितने बाई टोटल कितना बड़ा है ये? अच्छा, है 10 फुट, ये पूरा 10 फीट, 10 फुट 6 इंच। अच्छा, जो हाँ, अच्छा अच्छा 11 फीट, अच्छा 10.5 फुट, 10.5 फुट है। और ये वाला इसमें बीच में जितना पार्टीशन हुआ, और अंदर डेप्थ डेप्थ है 6 फुट, 6 फुट डेप्थ है, मिडिल से हो गया। तो व्यूअर्स देखिए, इससे आपको सीखने को मिलेगा कि बहुत सारे कहते हैं कि कैसा कबूतरों का घर बनाए, और हाइट कितना रखा आपने, 6 फुट या 5.5 फुट है, बेस्ट यही होता है, बेस्ट हाइट है 5.5 फुट, मुझे भी ऐसा ही पसंद है, 5.5 फुट किसी को सर पे भी नहीं लगेगा, जैसे हम जैसे लंबे लोगों को भी सर पे धक्का नहीं लगेगा। और कबूतरों की
आराम से अंदर भी चला आता है। और ये आपने इमरजेंसी एक बना के रखा है कि कोई बीमार या कुछ हो गया फिर बाहर से कोई कबूतर आता है कि इसमें नहीं, यहीं पे भी कबूतर है, मद्रास ही रहता है। अच्छा, वहीं पे मद्रास ही रहेगा, आराम से रह जाएगा। यहाँ पे एक चीज सीखने को है, आप लोग ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे इनका लॉफ्ट है, यहाँ पे कबूतर वो अंदर डाल रहे हैं और उन्होंने क्या किया, ये पिंजरे पे कबूतर को बंद करके रखा है, इसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि ये यहाँ से इसका लॉफ्ट देख सके। ये लॉफ्ट देख देख के ये कबूतर इसी से इसको हैबिट हो जाता है कि भाई ये हमारा घर है, ये हमारा दड़वा है, जो भी कहे यहाँ पे हमें आना है। यही सीखने वाली बात है, इसके आप उसको प्रैक्टिस कराए ताकि वो सीख जाए कि ये उसका घर है, इससे ट्रेनिंग हो जाता है कबूतरों का कि ये इनका घर है, यहाँ पे हमें आना है, लैंड करना है, घर के अंदर इनको डालना है। ये चीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिए। व्यूअर्स एक बार सिर्फ नज़ारा देखिए, दूर देखिए कबूतरों का झांक, जिसको आप लोग टोली या टुकड़ी कहते हैं, हम लोग यहाँ पे कोलकाता में झांक के देखिए कितना बड़ा झांक उड़ रहा है। वो वाला एक छतरी मतलब एक खुड्डा तावा मतलब क्या बोले, कबूतर पालते हैं वो वाला एक, यहाँ पे एक, ये वाला यहाँ पे एक, दो ना वो तीन, वहाँ पे देखिए पीछे एक, यहाँ पे देखिए एक, ये वाला, और देखिए सामने और एक भाई का छत है। देखिए पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, कितने सारे कबूतरबाज एक साथ एक ही जगह पे, ऐसा नज़ारा आपने नहीं देखा होगा किसी भी YouTube के वीडियोस पे। राजा भाई, जो आपका जो होमिंग पिजन्स, जो रेसर कबूतर, रेसर कबूतर से लोग ज़्यादा जानते हैं, तो ये किस किस ब्लड लाइन का तकरीबन आपके पास कलेक्शन है? मेरे पास जो है कलकत्ता का जो पुराना लाइन है। अच्छा, एकदम पुराना, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जब कबूतर कलकत्ता में आया था वो लाइन है। अच्छा, कुछ चेन्नई चेन्नई उधर से लेकर सब जगह से ही अपने चेन्नई का लाइन है, कलकत्ता का ही लाइन है। तो आप लोगों ने सुना जो भाई ने जो कलेक्शन करके रखा था कोलकाता, लेकिन वो ओरिजिन बाहर का है। आपका जो वो रेसिंग ये था क्या, सीआरपीसी है क्लब, सीआरपीसी क्लब, ठीक है, आगे भी मैं वो दिखा दूंगा आपको, उनका सीआरपीसी जो होता है कलकत्ता रेसिंग पिजन्स, रेसिंग पिजन्स, ओके, सीआरपीसी जो यहाँ पे रेस खेला जाता है। और इनका हाइस्ट, आपके जो कबूतर है हाइस्ट डिस्टेंस कितना क्रॉस किया? 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर, व्यूअर्स सुनिए एक बार, 550 किलोमीटर। और ये वो भी कम है, मेरा परिस्थिति नहीं था, कबूतर नहीं था, तो रेस नहीं हो पाया। लेकिन आपके घर पे वो एवरेज है, कबूतर तो है। और आपके रिकॉर्ड में या जो आपका सीआरपीसी जो ग्रुप है वहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ है कि ज्यादा उसमें कितना किलोमीटर पार कर चुका है? देखिए, हम लोग का जो ग्रुप जो मेंबर है अभी तक भी, उनमें से कुछ मेंबर अभी तक दिल्ली तक कबूतर छोड़े है, रिजल्ट भी किया हुआ है। अच्छा, तो कबूतर भी अभी तक है, दो एक कबूतर एक लोगों के पास है, दिल्ली वाला कबूतर। अच्छा, तो दिल्ली से छोड़ा हुआ, रिजल्ट किया हुआ कबूतर भी है, मतलब दिल्ली से वहाँ से छोड़ा गया था, दिल्ली से छोड़ा गया था, इधर आया था कलकत्ता में, और रिजल्ट भी किया था, और कबूतर अभी भी दो एक तो है। मतलब व्यूअर्स आप सुनिए, दिल्ली कहाँ, दिल्ली है, दिल्ली से वो कोलकाता में आया, मतलब कलकत्ता या कलकत्ता जो भी कहे, वहाँ से दिल्ली से छोड़ा गया। ये आप सुनिए सर, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, वाकई इन पे काबिले तारीफ है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, मार्केट में भी ऐसे होमर बोल के या रेसर कबूतर मिलता है, लेकिन आपने एक चीज जो कहा था, जो मैंने सुना था कि उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, तो होमिंग पिजन्स का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? एकदम, मतलब उसी से उसका जो पूरा हिस्ट्री पहचान होता है, उनका जो ब्लड लाइन है, फैमिली वगैरह क्या था, हिस्ट्री सब कुछ है, वो रजिस्ट्रेशन रिंग में ही है, उसी में ही रहता है, रजिस्ट्रेशन रिंग में ही सब कुछ रहता है। राजा भाई आगे कुछ कबूतर दिखाएंगे। अच्छा देखिए हमारे राजा भाई, ये मैं उनके लॉफ्ट के अंदर आया हूँ, यहाँ से देखिए, ये जो देखिए एक चीज आप चीज़ों को नोटिस कीजिएगा, ये होमिंग पिजन्स जो रखा जाता है, इनका यही टेक्निक होता है, कबूतर जब
रेस या जब उड़ान कंप्लीट करके घर पे वापसी करते उनको इस तरीके का पर्च या इनको बॉक्स दिया जाता है। इसी वजह से इनको होमिंग पिजन्स या होमर कबूतर, हम लोग कहते हैं होमर, तो ये नाम इसी वजह से पड़ा। बाकी जो हम लोग मद्रासी कह ले या गिरेबाज जो भी है उनका सिस्टम से ये अलग होता है। और भाई का ये एक टेक्निक देखिए, ये जो घर बनाया तो इन पे इन्होंने नेट्स ऐसा सेट कर दिया ताकि इनका जो बीटे है उसके अंदर चला जाए, ताकि वो, क्योंकि कबूतर बीठों के वजह से या गंदगी से भी बीमार पड़ता है, तो इससे क्या होता है तो बीठे नीचे चला जाता है, गंदगी वो मुंह नहीं डाल सकते, उल्टी उल्टी कबूतर जो वॉमिटिंग वाला प्रॉब्लम होता है वो वॉमिटिंग बीट नहीं खा सकता, क्योंकि अगर किसी बीमार या किसी वजह से वो दूसरा कबूतर खाता है तो उससे वो भी बीमार पड़ते हैं। और ये एक चीज सिस्टम देखिए, इन्होंने ये जो सिस्टम बनाया, पानी जो होता है पानी इसमें दिया जाता है, तो ये सिस्टम आप लोगों ने देख लिया, होमिंग पिजन्स का सिस्टम, रेसर कबूतरों का पूरा अलग तरीके का टेक्निक होता है। तो अभी भाई हमें कुछ कबूतर दिखाएंगे, देखिए हमारे राजा भाई एक कबूतर दिखा रहे, देखिए ये दोबाज, होमर पे भी दोबाज होता है, देख लीजिए इसको हम, अच्छा लोग रेसिंग पिजन के भाषा में बोलते हैं, लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लू पाइट, ब्लू पाइट, क्योंकि बर्ड्स में भी पाइट कहा जाता है, क्योंकि मैं बर्ड्स पालता था कि हम यहाँ पे दोबाज कहते हैं, लेकिन इसको ब्लू पाइट, क्योंकि जो भी इसका नाम होता है, देखिए इंग्लिश नाम ही होता है, क्योंकि एक्चुअल तो ये आया था यूरोपियन कंट्री से, फिर साउथ ईस्ट एशिया और हमारे इंडिया पे ये छा गया, तो वहाँ का जो भी नाम चलता है जैसे ब्लू चेकर, रेड चेकर और वो भी, हाँ ब्लू चेकर, हाँ ये है ब्लू चेकर, तो जो भी नाम ये इंटरनेशनल होता है। अच्छा अच्छा, पाइट, डार्क चेकर पाइट, देखिए एक डार्क चेकर पाइट, मतलब ये सभी जो इंग्लिश जो नाम है नेम्स वो ही किया जाता है, हमारे यहाँ का लोकल या देसी नाम नहीं होता, शॉक करा है व्यूअर्स को ये पाइट। इस साल तो मेरा बहुत बच्चा हुआ है, इससे बच्चा हुआ है, नहीं ये इस साल के यंग मतलब, और आपके घर के यंग पिजन है ये, देखिए सीआरपीसी पूरा इसमें 2021 और पूरा इसका कोड है, रजिस्ट्रेशन कोड, ठीक है ना, ये रजिस्ट्रेशन कोड है 3816A इसका रजिस्ट्रेशन कोड है। अच्छा एक बार आँख का शौक करा दे, क्योंकि व्यूअर्स को आँख का शौक चाहिए होता है, देखिए व्यूअर्स आँख से रेसा का उत्तर कुछ नहीं नहीं होता, फिर भी व्यूअर्स का डिमांड रहता है। अच्छा मेन है उसका रजिस्ट्रेशन, मेन रजिस्ट्रेशन तो होगा, ब्लड लाइन तो कुछ नहीं आएगा, ब्लड लाइन ही सबसे ज्यादा होता है, और उसका मतलब उसी से पता चल जाता है कि क्या है इसका हिस्ट्री, क्या है इसका दादा परदादा या दादी क्या थी, क्या वो मतलब पूरा रिकॉर्ड उसी से चेक किया जाता है। ब्लड लाइन नहीं रहेगा तो कबूतर कुछ होने वाला नहीं करेगा, अच्छा आएगा जरूर आएगा, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, अच्छा भाई दिखा रहे देखिए, इसको बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस, अच्छा तो कबूतर का सिंगल टेल जरूरी होता है, हाँ सिंगल दुम, जो बंद दुम का आ जाता है ये सिंगल टेल बोलते हैं, सिंगल टेल होमिंग पिजन्स रेसर पे ये होना चाहिए ही चाहिए। अच्छा और इसका पर एक बार दिखाए, देखिए पर, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैंने सुना था शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ के फेदर से क्या कुछ पता चलता है यहाँ पे कौन शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस का कुछ? फेदर से पता चलता है, ठीक है, 9-10 उमान एकदम 9-10 से छोटा होना चाहिए, अच्छा अच्छा ऐसे बहुत कुछ होता है, मगर ऐसा बोलने में कोई होता नहीं, होता नहीं है, प्रैक्टिकल उड़ा के तभी पता चलता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो आपको ये क्या लगता है जो ये कबूतर जो है ये लॉन्ग का कबूतर है? हाँ यही मैं जानना चाहता था, ये लॉन्ग का कबूतर है, कुछ नहीं पता नहीं आएगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक, मेन ये लॉन्ग। अच्छा एक बार पर दिखा दीजिए और एक बार पर दिखा दीजिए, देखिए व्यूअर्स पर का विंग स्पैन देखिए कितना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा है इसका विंग स्पैन, देखिए आप मेरा हाथ देख लीजिए यहाँ से कितना बड़ा इसका विंग स्पैन है, ये क्वालिटी होता है। अच्छा रिंग दिखा दीजिए एक बार, ये देखिए रिंग इज अ मस्ट, रेसर कबूतरों पे रिंग इज अ मस्ट, ये भी देखिए सीआरपीसी 2021 और इसका कोड है 3820 मेरा प्राइवेट टैग है, प्राइवेट, अच्छा ये भी ए टैग भी फॉरेन टैग है, अच्छा हम लोग को इधर कभी इधर कहीं भी नहीं मिलता, अच्छा, चाइना टैग है, चाइना का ये चाइनीज टैग है, हाँ इधर कहीं भी नहीं मिलता, कहीं पे नहीं मिलेगा। क्या जीपीएस टैग्स कुछ होता है क्या? हाँ ये तो इधर ये जीपीएस टैग्स है, जीपीएस टैग्स, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए व्यूअर्स जीपीएस टैग्स लगा हुआ है, थोड़ा सा गंदा हो गया माफी चाहता हूँ, लेकिन ये वही टैग रहता है इसमें,
पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है, कबूतर देखिए। देखिए राजा भाई का कबूतर उड़ रहा है, उड़ाते ही पूरा ट्रैक पकड़ लिया कबूतरों ने। इंस्टेंट की स्पीड देखिए, सिर्फ स्पीड देखिए कबूतरों का, देखिए देखिए क्या क्वालिटी है कबूतरों का। ये सारे के सारे प्योर रेसिंग पिजन्स हैं। रेंज देखिए कबूतर उड़ रहा है कितना।